My kid is enjoying a lot out here. Every facilities are available to him. Okay. So because if we look around society, it's a little safe environment for the kids as well. वीडियो में क्या-क्या कवर करने वाले हैं? First model, second one is sample flat, third one is customer review, fourth one is open area. 6x6 का बेड है भाई, छोटा बेड नहीं है. मैं लेट के नहीं दे सका सकता क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है. ब्रिजेश जी लेटे के नहीं क्योंकि कोट पेंट पहना हुआ है. की डेफ्थ है जो प्रॉपर हमने डेक्टिंग दी हुई है उसी के. चाहे इसमें तो आदमी भी बैठ जाओ, इतनी जगह है इसमें तो. हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को अपनी तीसरी वीडियो में स्वागत करता हूं. तीसरी वीडियो बेहतर परवरिश का पता. मैं आज आप लोगों को सोना का आशियाना अनमोल दिखाने लाया हूं. इसके साथ साथ इसके दो प्रोजेक्ट और भी लॉन्च होने वाले हैं. एक प्रोजेक्ट की सभी बात कर रहे हैं जो 93 में, दूसरे प्रोजेक्ट का भी हिंट दूंगा, बताऊंगा चीज़ें, पूरा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, तरीके से लेआउट दिखाऊंगा. हम लोग इस प्रोजेक्ट, इस पूरी वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं? फर्स्ट मॉडल, सेकेंड वन इज सैम्पल फ्लैट, थर्ड वन इज कस्टमर रिव्यू, फोर्थ वन इज ओपन एरिया, फिफ्थ वन इज लर्निंग हब, एंड ऑल द थिंग्स जो आपको कहीं नहीं मिली होगी इस वीडियो में मिलेगी. और ये बात भी है कि ये वीडियो सबसे शॉर्ट रहने वाली है जितनी भी वीडियोस डली हैं. तो जल्दी जल्दी आप इसको पूरी वीडियो को देखिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा. और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है वीडियो के लिए, क्या भाई प्रोजेक्ट के बारे में ये नहीं पता या वो नहीं पता, तो वो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, उसका ज़रूर रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगा. जिसको भी जो भी ये संशय में था कि 1.5 करोड़ में कुछ नहीं आता, उसके लिए सीरीज एक रामबाण है, तो ज़रूर देखना. चलिए चलते हैं सीधा प्रोजेक्ट पे. तो आ गए हैं हम अपनी साइट पे, मिल रहे हैं ब्रिजेश जी से. हेलो, हाउ आर यू ब्रिजेश जी? हेलो, हाय अरविंद जी, वेलकम टू आशियाना अनमोल. आपको और आपके सारे व्यूअर्स को आशियाना की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. ब्रिजेश जी, आज हम लोगों को पूरा प्रोजेक्ट आशियाना अनमोल समझाएंगे. ये ब्रिजेश जी, थोड़ा प्रोजेक्ट के मॉडल और प्रोजेक्ट के बारे में. श्योर अरविंद जी, सबसे तो पहले मैं आपको कनेक्टिविटी के बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा. ये बैंग ऑन सोना एक्सप्रेस वे प्रॉपर्टी है जो कनेक्ट करता है राजीव चौक से लेकर टूबर्ट सोना के लिए. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये सेक्टर जो लगता है सेक्टर 33 साउथ ऑफ गुड़गांव के अंदर ये प्रॉपर्टी हमारी आती है. और ये हमारा 13 एकड़ का प्रोजेक्ट है. 13 एकड़ की प्रॉपर्टी में हम लेके आए हैं 13 टावर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. हमारी मेन जो लोकेशन स्टार्ट होती है, आप ये जो देख रहे हैं शॉप के साथ जो रास्ता जा रहा है 12 मीटर का, ये अभी हमारा इंटरनल रास्ता है जो हमारे प्रोजेक्ट के मेन एंट्री एंड एग्जिट को कनेक्ट करेगा. इसके साथ साथ आप जो देख रहे हैं एक पैरेलल एक रास्ता और जा रहा है, दिस इज द 13 मीटर रोड जो आगे जाके टी पॉइंट बनेगा. और अगेन वो 60 मीटर रोड से कनेक्ट करता है जो आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन सीधा सेक्टर 63 कनेक्ट करेगा. सो देयर इज मेजर टू कनेक्टिविटी हो जाएंगी. एक तो बैंक ऑफ एक्सप्रेस वे आपने देखा ही है, अदर कनेक्टिविटी आपकी ये होगी. सो आके चलते हैं हम. ये आशियाना का हमारा मेन एंट्री एग्जिट गेट बना हुआ है, वन साइड एंट्री वन साइड एग्जिट रहेगा. के बारे में ब्रीफ करने से पहले थोड़ा सा आशियाना के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा. आशियाना सिंस 1979 से, सो वी आर इन मार्केट 42 इयर्स प्लस हम लोगों को हो गए हैं. वी हैव 55 प्लस प्रॉपर्टीज. सो आशियाना जो डेवलपर है, वी आर इन पैन इंडिया प्रेजेंस डेवलपर. मेजर अगर आपने हमारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, वी हैव प्रॉपर्टीज इन जयपुर, जोधपुर, पुणे, ग्वाड़ीज, गुड़गांव एंड सो ऑन. तो इस तरह से आशियाना की जो प्रेजेंस है 9 सिटीज में है. बेसिकली 55 प्लस डिलीवर्ड हमारे प्रोजेक्ट हैं 9 सिटीज के अंदर. थोड़ा सा एक चीज़ और एडम करना चाहूँगा, आशियाना की जो मेन खासियत है, जो वी हैव इनहाउस कंस्ट्रक्शन एंड इनहाउस मेंटेनेंस. सो ये दोनों है चीज़ें वो आशियाना की खुद की रहती हैं. इसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट पर लेके चलता हूँ. जैसा कि मैंने आपको बताया था 13 एकड़ के प्रोजेक्ट में हम 13 ही टावर लेके आए हैं. सो दिस इज आर फेज वन. B1 से लेके B5 जो आप टावर देख रहे हैं, ये 5 टावर है, ये मेरे फेज वन के टावर है जिसको हमने 2016 में लॉन्च किया था. और 2019 में हमने इसका पोजीशन दे दिया था विद इन 27 मंथ में. ठीक है, सो इसमें 300 अपार्टमेंट है, सारे के सारे अपार्टमेंट ऑक्यूपाइड है. मेरे जो टावर्स की हाइट है G+14 की हाइट रहेगी इसमें. और एक फ्लोर पे हमारे 4 अपार्टमेंट होते हैं. सो दिस इज कंप्लीट है सारा प्रोजेक्ट हमारा. यहाँ से आपने एंट्री करा और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं बेसमेंट के लिए जाता है. बेसमेंट में जाके ये हमारा क्लब हाउस है जो कि ऑलरेडी कंप्लीटेड है. 16,000 स्क्वायर फीट का हमारा क्लब हाउस है. करेक्ट, इसके साथ में आप जो जैसा देख रहे हैं B6 से लेके B8 टावर तक, ये हमारे 3 टावर्स हैं जो हमारे फेज टू में आते हैं. ये भी हमारे कंप्लीटेड हो चुका है सुपर स्ट्रक्चर. इसका पोजीशन हम नेक्स्ट मंथ में देने जा रहे हैं. तो इसकी कंस्ट्रक्शन हम ब्रिजेश जी एक बार देख सकते हैं ऊपर जाके? हाँ श्योर, इसका हम कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं अभी जाके. और ब्रिजेश जी एक ना, मैं आप लोग आपसे बीच बीच में क्वेश्चन करूंगा क्योंकि मेरी आदत है बीच बीच में क्वेश्चन करने की, तभी व्यूअर्स को भी पता लगता है. प्लीज प्लीज. तो एक ना अभी थोड़ा सा ट्रेंड है MI1 का, तो लोग कुछ लोग हालांकि बहुत ज़्यादा फ़र्क आशियाना में करते नहीं है क्योंकि यहाँ के कंस्ट्रक्शन देख के ही दूसरे प्रोजेक्ट्स भी जैसे आशियाना हमारा लोग लेते हैं. तो MI1 में और जो ये कंस्ट्रक्शन है इसमें आप अपने को कैसे अलग दिखाते हैं क्या भाई हाँ हमारी MI1 कंस्ट्रक्शन नहीं है बट फिर भी सुपीरियर कंस्ट्रक्शन है?
बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, इसमें हम ऐश ब्रिक यूज करते हैं जो होलो ब्रिक होती है। माइवन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वी हैव इन हाउस कंस्ट्रक्शन और हमारा हाइट भी जो होता है G+14 होता है, सो हमारा हाइट ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा है जिसके लिए हमें यूज़ करना पड़े, और इन हाउस हमारा कंस्ट्रक्शन होता है उससे हमारे कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी होती है वो परफेक्ट निकल के आती है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर थर्ड पार्टी कंस्ट्रक्शन देते थे तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन की वो रिलायबिलिटी बन नहीं पाती है। ठीक है, जो भी हम ब्रिक वगैरह यूज़ करते हैं उसको पहले हम टेस्टेड करते हैं प्रॉपर तरीके से, जब वो क्वालिफाइड होती है उसके बाद ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। आपको मैं रेडी टू मूव इन टावर भी दिखाऊंगा जहाँ पे ऑलरेडी 4 साल से फैमिली रह रही है, आपको बिल्डिंग देखने से ही फील हो जाएगा कि क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी निकल के आई हुई है अचानक। और जैसे हम इन टावर्स की बात कर रहे थे, अगर आप लोग देख रहे होंगे सभी लोग, तो ये टावर B6, 7, 8 और साथ में 9 और 10 ये आपको सामने दिख रहे हैं। तो ब्रिजे जी, सेकंड फेस में B6, 7, 8 तीन ही टावर थे? करेक्ट, इसमें 180 यूनिट्स हैं। सुपरस्ट्रक्चर हमारा रेडी हो चुका है अरविंद जी, इसका हम चल के देख सकते हैं। इसका पोजीशन हम नेक्स्ट ईयर 2024 मिड में हम इसका पोजीशन दे देंगे। करेक्ट, ये फेज 3 है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका भी कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन है। B9, B11 टावर की बात अगर मैं करूँगा तो 6 और 7 पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन आ रखी है। B11, B12 यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड इस तरह से कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन है। इसका पोजीशन हमारा जो रहेगा 2025 मिड में समवेयर इसका पोजीशन आपका आ जाएगा। अच्छा, और इसका रेरा में टाइमलाइन क्या है पोजीशन का और आप कब ऑफर कर रहे हैं? सी अरविंद जी, अगर देखेंगे हम तो, अगर मैं रेरा की अगर मैं बात करूँ तो मैंने फेज 2 का टाइमलाइन दिया हुआ है December 2026 और फेज 3 का जो मैंने टाइमलाइन दिया हुआ है December 2027। बट अगर हम रेरा के हिसाब से देखेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा पहले ही प्रिकॉशन होकर प्री चलते हैं। ऑन टाइम जो हमारे 3 ईयर्स होते हैं वो 3 ईयर्स ही होते हैं। हम ऑलरेडी इसका सुपरस्ट्रक्चर रेडी करके फाइनल फिनिशिंग हमारी चल रही है, नेक्स्ट इसका पोजीशन दे देंगे रेरा से 18 मंथ्स पहले। सिमिलरली हमारा इसका भी वही टारगेट है, इसका हम 2025 मिड में हम इसका पोजीशन ऑफर कर देंगे। और एक और इंक्वायरी थी कुछ क्लाइंट्स के, जैसे आप आपके प्रोजेक्ट में, जैसे आशियाना के किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी बायर को एग्जिट नहीं मिलती है, तो इसके भी थोड़े से आप क्लैरिटी करें क्या कब एग्जिट वो लोग कर सकते हैं? अरविंद जी, इसके लिए क्या है, हम लोग ना जो परमिशन देते हैं वो रजिस्ट्री के बाद ही देते हैं। इसको करने के पीछे हमारा एक ही लॉजिक होता है कि हमारे पास जो भी कस्टमर हो, एंड यूज़र हो या एंड इन्वेस्टर हो, एंड इन्वेस्टर का मतलब जो कस्टमर 3 साल तक जिसके पास पेशेंस हो, जो रुक सकता है, उसके बाद डेफिनेटली वो उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा, वो एग्जिट कर सकता है। हम लोग बीच में इसलिए एंटरटेन नहीं करते हैं क्योंकि इसमें जो छोटे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं वो 30% या 40% या 20% के बाद एग्जिट करना शुरू कर देते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा फंड फ्लो रुक जाता है। वो लोग क्या करते हैं, टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं, 20% करने के बाद वो अपना बायर मार्केट में ढूंढना शुरू कर देते हैं। हमारा फंड फ्लो रुकेगा तो हमारे कंस्ट्रक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा। सो वी डोंट वांट कि हम किसी भी तरह से अपना कंस्ट्रक्शन पे इंपैक्ट आए। बाकी हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, सो हमारी मेन प्रायोरिटी होती है टाइम पे घर बना के देना। हम उसमें अपना कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं देखते हैं। बाकी डेवलपर्स आपने देखा होगा कि वो बीच में एग्जिट करते हैं, कुछ ट्रांसफर चार्ज होता है जो डेवलपर भी लेता है, बट वी डोंट वांट दैट ट्रांसफर चार्ज। हमारा मेन पर्पज होता है टाइम पे घर डिलीवर करना। और मैं इसमें एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर कोई भी क्लाइंट फिर उसके बाद अपना फ्लैट रीसेल करना चाहता है तो क्या वो मार्केट में कर सकता है या सिर्फ आप ही करवाते हैं उसका आशियाना? अरविंद जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है इसमें। कस्टमर आफ्टर रजिस्ट्री ओपन है वो कहीं से भी करा सकता है, बट बीइंग जो आशियाना से वो कस्टमर जुड़ा हुआ है तो हम भी उसका फॉर एवर केयर करने की कोशिश करते हैं। अगर वो चाहता है कि हम उसको सर्विसेज दें तो हमारी टीम से भी एक पर्सन हमेशा अवेलेबल होता है जो रीसेल रेंटल देखता है। रीसेल तो हम कराते ही कराते हैं इफ़ कस्टमर वॉन्ट्स। अगर उसको अपना घर रेंट पे भी देना है तो उसके लिए भी हम सपोर्ट करते हैं। सपोज किसी कस्टमर इन्वेस्ट करा है, आज वो यहाँ रह रहा है, कल को बैंगलोर ट्रांसफर हो गया, तो वो आशियाना पे बिल्कुल ट्रस्ट करके यहाँ पे हमें की दे सकता है और उसको हम चाहे वो रीसेल के लिए हमें बोले या हमें रेंटल के लिए बोले, हम दोनों ही चीज़ में उनको असिस्ट करते हैं। पर मैंने एक चीज़ पर्सनली देखी है, वो मैं क्लाइंट्स के सामने भी कहना चाहूँगा आज, चाहे मैं सामने ना हूँ कैमरे के पीछे भी हूँ, बट क्वेश्चंस में रही हैं, क्या मैंने इतना अच्छा रिस्पांस किसी प्रोजेक्ट का नहीं देखा है जिसमें एग्जिट नहीं है और फिर भी क्लाइंट्स की लाइन लगी हो। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है मेरी तरफ से। आगे चलते हैं, अभी हम लोग सैम्पल फ्लैट देखने और साइजेज की बात करेंगे, प्राइस की, सैम्पल की और आने वाले प्रोजेक्ट की हर एक चीज़ की बात करेंगे। आप वीडियो पर बने रहेगा। चलिए ब्रिजेश, चलते हैं सैम्पल फ्लैट पर। फिर ब्रिजेश जी हम लोगों का स्वागत कर रहे हैं। चलो ब्रिजेश जी, वेलकम जी। सो अरविंद, जैसा मैं आपको बता रहा था, ये हमारा जो साइजेस है जिसको सैंपल फ्लैट हमने बनाया है 1527 स्क्वायर फीट का साइज है, जिसमें हमने प्रॉपर 3 बेडरूम और 3 वॉशरूम आपको दिए हैं। सो दिस इज द फॉयर एंट्रेंस एरिया। तो ये शीशा स्टार्टिंग में मिल गया है। जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं की, वो कर सकता है। रेगुलर मेहनत चल रही है, 1.5 करोड़ के अंदर अंदर आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज दिखानी है और आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे ब्रिजेश जी से। तो वीडियो 500 लाइक का टारगेट है, फटाफट कर दो, कोई देरी मत करो कोई भी। और चलते हैं अगले सेक्शन में। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है अरविंद जी, एज हमें इसको गेस्ट बेडरूम हमने इसको नाम दिया हुआ है विद अटैच वॉशरूम। तो ब्रिजेश जी, इसके जो एंट्री है वो बैल्कनी से भी है? यस। और मेन क्वेश्चन ये है, क्या जो इसकी आप लोगों का जो साइज है ये एग्जैक्ट अवेलेबल है अपने पास? ये एग्जैक्ट साइज हमारे पास अवेलेबल है, 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट में।
पार्क फेसिंग यूनिट्स आपको इसमें मिल जाएंगी, प्रॉपर पार्क फेसिंग यूनिट होंगी। जैसी एक चीज और मैं जानना चाह रहा था आपसे, जो और इन्वेंट्री वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट है, सिर्फ यही साइज बचा अपने पास? यस, हमारे पास थ्री बेडरूम में थ्री वेरियंट थे, 1527, 1776, 1884, बट नाउ अवेलेबल ओनली 1527 है, जिसका एक्चुअल सैंपल बना हुआ है जो हम विजिट कर रहे हैं अभी। तो इसका ड्राइंग डाइनिंग का एरिया लगभग कितना होगा ब्रिजेश? इसका जो एरिया है अप्रॉक्स 17x18 स्क्वायर फीट में, एल टाइप में हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है। क्योंकि स्पेशियस ठीक लग रहा है, फिर भी चाहे ड्राइंग रूम के लिए चेयर हो, सिक्स सीटर प्रॉपर लग के भी आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर ये आ रहा है। इसके साथ एक ब्यूटीफुल हमने ये बालकनी दी है, आप इसको एक बार देख सकते हैं, ये रनिंग बालकनी है। सो इसकी लेंथ आती है 16 फिट एंड विड्थ जाएगी इसकी 5.5। और जिसने हम लोगों का एक और प्रोजेक्ट है आशाना हमारा सेक्टर 93, जिसने वो नहीं देखा, उसमें एक स्पेशल डेक का प्रोविजन है। करेक्ट, वो उस रेंज में मेरे ख्याल से कोई नहीं देता है। करेक्ट, और ये पॉइंट है अपना, ये हमने आपको वॉशिंग मशीन का प्रॉपर ये वॉशिंग एरिया पॉइंट दिया हुआ है, जहाँ पे हमने इनलेट आउटलेट टैपिंग दोनों पॉइंट दिए हुए हैं। और अगर कोई ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर की जैसे यूनिट लेता है 1500, तो लगभग ऐसा ही व्यू आपको मिलेगा, प्रॉपर ग्रीन आपको व्यू मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले रूम्स की तरफ। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ किचन में, जो हाउस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किचन। तो अगर आप किचन हमारा देखेंगे तो काफ़ी स्पेसियस है, ये आपका 6.5x12.4 का आपका किचन है भी। और इसमें ब्रजेश जी किचन में लोगों को क्या क्या मिलेगा? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, इसमें मैं अपने हम दोनों साइड आपको अपर एंड लोअर दोनों कैबिनेट्स बना के देंगे, प्लस इसमें ये फेवर की आप चिमनी देख रहे हैं ये भी आपको लगी होगी, प्लस ये सिंक टैब, ये कनेक्टिविटी आपकी होगी। गीजर भी होगा? गीजर नहीं होगा इसमें। अच्छा, गीजर एंड फ्रिज इसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेम एज इट इज रहेगी किचन जैसे ये है? किचन एज इट इज सेम रहेगी, बाकी जैसा मैंने आपको बताया हुआ। चलिए अगले रूम्स में चलते हैं। अगले हम रूम में चलते हैं, सो ये हमारा सेकंड रूम आ जाता है, इसको हम एज ए किड्स रूम बोलते हैं। तो इसका क्या लगभग साइज होगा? इसका साइज होता है अपना 10x12.4 का, और इससे भी रनिंग बालकनी है, इसमें भी रनिंग बालकनी है जो मास्टर बेडरूम को कनेक्ट करती है। इस वो की रनिंग जो बालकनी की लेंथ होगी वो 17 फिट है। ओके, तो काफी खुले डुल्ले फ्लैट है, मतलब ये है 1527 स्क्वायर फीट में भी अच्छा एरिया है। आप ये सेकंड वॉशरूम है, वॉशरूम भी आप देख सकते हो, हमारे सारे वॉशरूम काफी स्पेसियस है, जो कि 5.5x8 फिट के हमारे वॉशरूम्स आते हैं। फिटिंग एंड फिक्चर की भी बात करना चाहूंगा, जैसा आप देख रहे हो ना, जैसे कॉलर एंड जगुआर, ये गैरबिट जो हमने यूज करा हुआ, यही हम लोग फिटिंग्स यूज करते हैं। और ये फिटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स की है, जो कि हो रही है आशाना अनमोल के प्रोजेक्ट पे, और आशाना हमारा भी जल्दी समझाएंगे। अगर जो कोई आशाना हमारा की वीडियो चाहता है वो नीचे कमेंट करे आशाना हमारा। चलिए ब्रजेश जी अगला रूम। इसके साथ में हमने यहाँ पे एक कैविटी एरिया दिया हुआ है, जहाँ पे आप एडिशनल आप वार्डरोब एंड कुछ भी आप यहाँ बना सकते हैं, छोटा मंदिर भी बना सकते हैं। ये हम आ गए हैं मास्टर बेडरूम में, जिसका आपका साइज है 10.8x13.11 का मास्टर बेडरूम है हमारा। इसमें आपने जो प्लेसमेंट की हुई चीज़ों की, वेल डिफाइंड हर एक चीज़ रखी हुई है, चाहे वो बेड की प्लेसमेंट हो, बड़ा 6x6 का बेड है भाई, छोटा बेड नहीं है। मैं लेट के नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है, ब्रिजेश जी लेटेंगे नहीं क्योंकि कोट पैंट पहना हुआ है, तो मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ 6x6 का बेड है, छोटी सी ये टेबल है। मेरे जैसे यूट्यूब पे किसी को वीडियो बनानी है, लाइक कुछ भी करना, देख रही है, एडिट करनी हो, यहाँ बैठ के कर सकता है। आगे वॉशरूम देखते हैं ब्रिजेश जी के साथ। अगेन ये वॉशरूम है जिसमें हम ये शावर पार्टीशन लगा के दे रहे हैं, फिटिंग्स मैंने ऑलरेडी आपको ब्रीफ करी हुई है, जैसे सेम रहेंगी। तो ब्रिजेश जी ये इसके बाद वो बालकनी में चलते हैं, एक बार बालकनी दिखाते हैं, फिर उसके बाद बाहर से प्रोजेक्ट दिखाते हैं। करेक्ट, और ये वार्डरोब भी इसके साथ आ रही है, जिसकी जो लेंथ होगी 8 फिट की आपकी लेंथ रहेगी वार्डरोब की, इसकी आप डेप्थ भी देखेंगे तो 2 फिट की डेप्थ है, जो प्रॉपर हमने डेक्टिंग दी हुई है उसी के। चाहे इसमें तो आदमी भी बैठ जाओ, इतनी जगह है इसमें, तो काफ़ी स्पेसियस है, सो आप यहाँ पे वार्डरोब बना सकते हैं भाई। ये छोटे खाने इसमें आप लोग नहीं बैठ पाओगे, बड़े वाले में आप लोग बैठ सकते हो। चलो आगे चलते हैं बालकनी की तरफ। अगेन ये हमारी अनदर बालकनी ही रहेगी, जो कि रनिंग बालकनी है, इसकी लेंथ 17 फिट हो जाती है, विड्थ आपकी 5.5 फिट रहेगी। ब्रिजेश जी हमने एक चीज़ की बात इसमें नहीं की अब तक भी, क्या जो ACs हैं इसमें इंस्टॉल रहेंगे यूनिट में? ACs इंस्टॉल नहीं रहेंगे, ACs नहीं रहेंगे। लेकिन और कुछ फ्लोरिंग का चेंज आया है फेज थ्री में? फेज थ्री में बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, फेज टू में अगर देखेंगे तो हमने प्रॉपर वहाँ पे टाइल्स ही लगा के दी थी, बट यहाँ पे हमने जो टाइल्स यूज़ करी है वो वुडन टेक्सचर टाइल यूज़ करी है, जो प्रॉपर फील आपको आ रहा है वुडन फ्लोरिंग का। बट अगर आप ये देखेंगे तो दिस इज द टाइल, तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, जैसे कि वुडन फ्लोर में आती है, वुडन फ्लोरिंग फूल जाती है, निकल जाती है, इतनी फ्रेंडली नहीं, बट ये प्रॉपर टाइल्स है जो हमेशा लॉन्ग टाइम तक आपके साथ
चलती है जैसे अदर टाइल्स की तरह। थैंक यू ब्रिजेश जी, अब चलते हैं बाहर। बाहर के बाद फिर हम लोग चलेंगे सीधा इनका किड सेंट्रिक थीम देखने, फिर कस्टमर का रिव्यू लेंगे किसी का, और फिर वीडियो को एंड करेंगे। मैं कैसा लग रहा हूँ ये भी कमेंट कर देना, साथ साथ मैंने जिम शुरू की है तो जल्दी ही आप लोगों को और भी सारी वीडियोज एनर्जी के साथ दिखाऊंगा। चलते हैं अगले सेक्शन में। ये अरविंद जी हमारा क्लब है द क्लब के नाम से, और हम अंदर चलते हैं क्लब में एंट्री करते हैं। इस साइड से इसकी एंट्री है ना? हाँ, यहाँ से हम एंट्री करते हैं जहाँ पे मेन गेट है क्लब। एक बार दिखाई, सिर्फ एक मिनट में क्लब देखेंगे और उसके बाद चलेंगे प्रोजेक्ट पे। सो ये हमारा 16,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। मैं आपके लेके चलता हूँ स्पोर्ट्स हॉल में, जो हमारा इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है। ये हमारा इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, ठीक है। आप इसको देखेंगे तो इसकी प्रॉपर ओलंपिक साइज का हमने बनाया हुआ है। इसकी आप यहाँ पे बैठने का भी है, अगर कोई बैठे बच्चा रेस्ट कर सकता है। यहाँ पे फिजिकली कोचेस आते हैं? या कोचेस भी अवेलेबल होते हैं हमारे, तो अगर कोचेस के थ्रू भी आपको अगर लेना है तो आप कोचिंग ले सकते हैं। तो वो मेंटेनेंस में ही ऐड होता है कुछ एक्स्ट्रा उसका? नहीं, अगर आप कोचेस के थ्रू कोई भी सर्विसेज लेते हैं तो उसकी जो नॉमिनल फीस होती है वो आपको पे करनी होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मेरी बेटी है जिसका नाम व्याख्या है, उसको मैं फिटसो में डालता हूँ, सेम इस लेवल का भी वो नहीं है, ठीक है। और मैं मंथली चार्जेस उसके 6,000 दे रहा हूँ आज के टाइम में। अगर सेंटर जानना चाहता कोई जान सकता है, तो इस टाइप की फैसिलिटी मुझे नहीं लगता क्या लग्जरी प्रोजेक्ट में भी, अगर आपको ये इंडोर बैडमिंटन कोर्ट किसी में मिल रहा है और प्रोजेक्ट में? करेक्ट, आई हार्डली फाउंड। आइडली अगर मैं इंडोर की बात करूँगा तो मैंने तो अरविंद जी काफ़ी नहीं देखे हैं, टू वेरी फ्रेंकली। हमारा डबल इंडोर बैडमिंटन कोर्ट रहता है, फुल ओलंपिक साइज प्लस विथ सेंट्रलाइज एसी के साथ। ठीक है ब्रिजेश जी, गुड है, अगले सेक्शन में हम लोग चलते हैं। लेके चलता हूँ, ये हमारा पार्टी हॉल है। पार्टी हॉल है, इसके साथ आपने देखा है पेंट्री एरिया भी हमने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप बच्चों के साथ, बच्चों का बर्थडे पार्टी हो गई, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो गया, वो इस टाइप के आप फंक्शन इसको कर सकते हैं यहाँ पे बुक करके। ये पूल साइड है सारा? या ये पूल साइड है, दिस इज पूल साइड। ये पूल साइड है, आप ये देख रहे हैं, ये हमारा पूल है। यहाँ से लॉक होगा, चलो कोई। तो इसमें ब्रिजेश जी कुछ चार्जेस लगते हैं? ये अरविंद जी इसके चार्जेस होते हैं 2500 रुपये, आप उसको 2500 देके इसको आप अपना पार्टी के हॉल के लिए बुक करा सकते हैं। चलिए चलते हैं और सेक्शन में सीधा सीधा बिना टाइम वेस्ट किए। ये बच्चों का किड्स प्ले एरिया हम लोगों ने देखा, अभी क्या दिखा रहे हैं ब्रिजेश? इसके बाद ये बुक कैफ़े है जहाँ पे रीडिंग्स, कैरम एंड कार्ड्स प्ले एरिया हो गया आपका ये। इसके बाद एक बार हम टावर 2 की कंस्ट्रक्शन और देखेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग एक कस्टमर का रिव्यू लेंगे, और फिर हम लोग चलेंगे खुले एरिया में। तो व्हाट इज योर गुड नेम मैम? माय नेम इज सोनिया। ओके, तो मैम आप आशियाना में कब से रह रहे हैं? इट्स बीन अ ईयर एंड अ हाफ आई हैव बीन हियर। ओके, तो आपका मैम एक्सपीरियंस कैसा है आशियाना के साथ? सी, एज आई मेंशनड कि इट्स बीन अ रियली ग्रेट जर्नी फॉर मी। ओके, या मतलब माय किड इज एंजॉयिंग अ लॉट आउट हियर, एवरी फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू हिम। So because if we look around society, it's a little safe environment for the kids as well. Because you get everything available in house itself. Okay. And there is one more facility, the plus point is the learning hub which is available out here. Okay. Which I haven't seen in other properties as I think so. But yeah, that's the thing. और मैम यहाँ के मेंटेनेंस वगैरह सब ठीक है? या इट इज़ फाइन। सी, यू आर ऑल्सो लुकिंग अराउंड, यू माइट बी फाइंडिंग इट अराउंड दैट द थिंग्स आर क्लीन आउट हियर एंड या। तो मैं यही जानना चाह रहा था, और स्पेशली एक रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी सोसाइटी के बारे में बताने में। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। तो ब्रिजेश जी बताइए, ये हमारा बिलियर्ड्स रूम है अरविंद जी। सो दिस इज़ फर्स्ट फ्लोर ऑफ आवर क्लब। यस यस, इसके बाद मैं आपको सबसे शानदार चीज़ दिखाना चाहूँगा, मीडिया रूम। आप ये देखेंगे, ये हमारा मीडिया रूम है जिसमें फैमिली मेंबर काफ़ी इंजॉय करते हैं। जैसे अभी मैचेस चल रहे हैं, आपने देखा है, तो मैचेस के लिए रेसिडेंट्स यहाँ पे आते हैं संडे। तो मैचेस के लिए बुक होता है जैसे? हाँ, मैचेस के लिए अब ये सभी के लिए ओपन टू ऑल होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज बेस पे है, जो भी आए बैठे सिट एंजॉय करे। पैसे लगते हैं? नहीं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते हैं। इवन संडे सैटरडे में हम इसमें किड्स की मूवी भी चलाते हैं, तो उसमें बच्चे आते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं, किड्स मूवीज प्ले कर सकते हैं।
चले चलते हैं अगले सेक्शन। जो देख रहे हैं स्टेट ऑफिस, ये हमारा मेंटेनेंस ऑफिस है और ये आशियाना का इन हाउस मेंटेनेंस ऑफिस है। सबसे अच्छी चीज ये है किसी भी थर्ड पार्टी को हमने मेंटेनेंस के लिए नहीं दिया है। आप ये देख रहे हैं क्लब हाउस हमारा 4 साल से ऑपरेशनल है, इसके क्लीनिंग वगैरह जैसा आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा आशियाना ने खुद मेंटेन किया हुआ है। ये ना मेरे को आशियाना में बड़ी अच्छी चीजें लगती है। ये जिम्नाजियम है हमारा, यहीं से हम लोगों को अगले फेज की कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगी। श्योर, यहाँ से कंस्ट्रक्शन का व्यू भी काफी अच्छा आएगा और आप प्रॉपर कस्टमर्स को यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्शन भी दिखा सकते हैं। क्लब काफी सही है, क्लब आप देख सकते हो जो बेसिक एमिनिटीज हैं सारी हैं। अब हम लोग यहाँ से कंस्ट्रक्शन एक बार देख लेते हैं। जैसा बिन जी आप देख रहे हैं टॉलेस्ट टावर है जो 6-7-8 टावर की मैंने बात करी थी। ये मेरे फेज 2 के टावर है जिसका सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो गया है, आउटर एंड इंटरनल प्लास्टर भी इसका कंप्लीटेड है, ओनली फाइनल फिनिशिंग इज गोइंग ऑन। ये जो उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 और 5th एंड ये काम चल रहा है जो LCM है, दिस इज द फेज 3। और इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या पड़ता है? ये इस प्रोजेक्ट के पीछे सेंट्रल पार्क की टाउनशिप है और हमारे प्रोजेक्ट्स के जस्ट एडजॉइनिंग जो बना हुआ है सेंट्रल पार्क के फ्लोर है, फ्लोर के बाद सेंट्रल पार्क के SCOs आते हैं, देन उसके बाद आपने देखा होगा एंट्रेंस बोर्ड भी लगा था, क्रिकेट स्टेडियम है, देन उनके पास SCZ का भी लैंड है जहाँ पे कुछ कमर्शियल भी आएगा। ये रोड वही सीधी है जो हमने नक्शे में से अर्लियर जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया रहा था, ये सीधा टी पॉइंट पे कनेक्ट हो गए, 60 मीटर रोड पे जाएगी और ये आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे जाती है सेक्टर 63। चलते हैं सर अगले सेक्शन में। मैं आपको लेके चलता हूँ आशियाना अनमोल की मेन एंट्रेंस पे, आइए। ये हमारा एंट्रेंस है, अभी ये वन साइडेड ही ऑपरेशनल है तो अभी वन साइडेड हमारा अभी क्लोज चल रहा है, जब फेज 3 ऑपरेशनल होगा तो दोनों ही हो जाएंगे। इस तरह से वन साइड एंट्री है, वन साइड एग्जिट के लिए। कम अंदर चलते हैं, सीधा यहाँ से एंट्री करके आपने जो रैंप देखा है ये हमारा बेसमेंट में जा रहा है और बेसमेंट अपनी सिंगल है पूरे प्रोजेक्ट की, सिंगल बेसमेंट रहेगा आपका। चलो चलते हैं ओपन एरिया की तरफ, ओपन एरिया की तरफ चलते हैं। ये ग्लोब कैसा लगा हुआ है? ये ग्लोब हमने लगाया हुआ है, बेसिकली इसको हमने बस स्टैंड बनाया हुआ है, यहाँ पे जितनी स्कूल्स की बस आती है बच्चों को यहीं से पिक करती है, यहीं पे ड्रॉप करती है विद इन अ कैंपस के अंदर। सो दिस इज द असेंबली एरिया फॉर तो इससे ये फायदा है कि बच्चे लर्न भी कर सकते हैं साथ साथ, वो लर्न भी कर सकते हैं इसके साथ साथ, कहीं ना कहीं कुछ ना थोड़ा थोड़ा हमने सीखने के लिए दिया हुआ है सोसाइटी के अंदर। और ये हमारे पीछे क्या देखने को मिल रहा है? ये आपका टेनिस कोर्ट है, 2 टेनिस कोर्ट है। चलिए चलते टेनिस कोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल टेनिस कोर्ट की तरफ हम चलते हैं आगे बढ़ के। सो अरविंद जी हम ग्रीन एरिया की तरफ चल रहे हैं, बट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ग्रीन एरिया से पहले आप हमारा कंस्ट्रक्शन देखिए। आपने स्टार्टिंग में पूछा था कि माइवन की जगह आप एश ब्रिक क्यों यूज़ करते हो, तो सीधा कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, ये हमारा 4 साल पुराना स्ट्रक्चर है जिसमें आपको कोई सिंगल लीकेज सीपेज आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये नहीं ब्रिजेश जी, कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको क्लोजली भी मैं लोगों को दिखाऊँ, किसी के घर में मैं नहीं झांकना चाहता तो क्लोजली भी आप देखेंगे तो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुली डन अप। चलो चलते हैं एक बार, ये कोर्ट दिखाइए प्लीज। ये हमारा टेनिस कोर्ट है, 2 टेनिस कोर्ट है प्रॉपर, आप देख सकते हैं ये। टेनिस कोर्ट में भी कोचेस के अवेलेबिलिटी है? यस, टेनिस कोर्ट के लिए भी कोचेस अवेलेबल होते हैं, अगर उनके थ्रू बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो अवेलेबल होते हैं। तो मैं पर्सनली ना सब लोगों को यही बताना चाहूंगा भाई, इन लोगों इन चीजों में ना हम ऑलरेडी गुड़गांव में पैसा डाल रहे हैं, फूक रहे हैं पैसा एक्स्ट्रा, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, चाहे आप कहीं भी ट्राई कर लो कोचेज नहीं है, और इतने बड़े टेनिस कोर्ट अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में नहीं है। तो आप ये प्रोजेक्ट ज़रूर देख के जाओ, और ये नहीं देख रहे तो एक आने वाला जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे ब्रिजेश जी आप? जैसा कि आपको तो अच्छे से पता ही अरविंद जी, हमारा आशियाना हमारा सेक्टर 93 में आया था जो कि कपल ऑफ डेज में आपने देखा था सोल्ड आउट हो गया था। अभी उसका फेज 3 आना है, काफ़ी जल्दी ही आएगा, जैसे ही आएगा सबसे पहले मैं आई विल इन्फॉर्म यू एंड अकॉर्डिंगली आप अपने व्यूअर्स को अकॉर्डिंगली आप अपडेट कर सकते हैं। तो उसका थर्ड फेस आएगा, उसमें भी 3 BHK 4 BHK साइजेस जो भी आएंगे, उसमें साइजेस हमारे 3 बेडरूम के 2 वेरिएंट्स होते हैं, 3 बेडरूम + 2 टॉयलेट एंड 3 बेडरूम + 3 टॉयलेट्स, 2 ही वेरिएंट्स रहेंगे उसमें। फिर 4 BHK भी है बट अभी जो फेज 3 में आ रहा है उसमें 4 BHK का टावर नहीं है। ठीक है ब्रिजेश जी, वो भी अगर कोई इंक्वायरी हो किसी को और आशियाना हमारा में मेरे को और ब्रिजेश जी को आप दोबारा देखना चाहते हैं वीडियो करते हुए तो आप ज़रूर कमेंट डालिए, वहाँ का मॉडल थोड़ा सा बंद है वो ठीक होती है हम लोग वहाँ की भी वीडियो करेंगे। ठीक है ब्रिजेश जी? श्योर श्योर, वाई नॉट। चलिए चलते लर्निंग हब की तरफ, हम लोग टेनिस कोर्ट से आए हैं, टेनिस कोर्ट से अब हम लोग चलेंगे अदर एरिया के लिए, प्लेइंग एरिया हो गया, गार्डन है। तो ये MP थिएटर आ गया हम लोगों का, करेक्ट, ये MP थिएटर है। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं ब्रिजेश जी बच्चे?
यहाँ बच्चे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, इवनिंग्स में अगर आप आएंगे तो बच्चे यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। वहाँ पे बच्चों के लिए हमने किड्स प्ले एरिया बनाया हुआ है। तो इस तरह से अभी तो हमारा ये फेज़ वन का ही आप पोर्शन देख पा रहे हैं। जिस दिन हमारा फेज़ वन फेज़ टू रेडी हो जाएगा तो इस तरह से कई किड्स के लिए प्लेइंग एरिया होंगे और इससे बड़े भी बिगर गार्डन अवेलेबल हैं। यहाँ पे 1.5 एकड़ का गार्डन है जो फेज थ्री में आना है, ये 0.7 एकड़ का गार्डन है। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे ओपन एरिया ना क्वेश्चन रहते हैं लोगों के, क्या भाई छोटा एरिया पड़ेगा, कॉमन क्लब में भीड़ मच जाएंगी। पर मुझे लग रहा है अभी भी बहुत लोग रहते हैं, अभी भी कोई भीड़ नहीं है, सच कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से मैनेज है सब कुछ। और अरविंद जी अच्छी चीज़ ये है कि हमने जो एमिनिटीज़ दी है वो स्कैटर्ड दी हुई है, तो हमारा क्राउड कभी भी एक जगह इकट्ठा नहीं होगा। सी जैसा आपने क्लब देखा है, क्लब के अलावा हमने बच्चों के लिए डेडिकेटेड लर्निंग हब अलग से बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे इंजॉय करेंगे। अभी हम चलेंगे, आपको मैं लर्निंग हब भी दिखाऊंगा। तो इस तरह से हमारी स्कैटर्ड एमिनिटीज़ है, काफ़ी कुछ है बच्चों के लिए यहाँ पे जो मैं आगे चल के आपको दिखाने वाला हूँ। चले चलते हैं जी। हाँ, मैंने एक अच्छी चीज़ बताना तो भूल ही, अगर मैं रेंटल की बात करूँगा तो यहाँ पे जो 2 BHK का रेंटल है 28,000 है, प्लस 3 बेडरूम का 35 से 40 है। रेंटल बहुत अच्छा है, रेंटल काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे जो भी यंग फैमिली है जिनके भी किड्स हैं दे इंजॉय हेयर। बच्चों के लिए मैनी मोर एमिनिटीज़ हैं। तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं लिव इन लर्न प्रोग्राम, आपके बच्चे यहीं रह रहे हैं, यहीं सीख रहे हैं, विदाउट कैंपस कहीं आपको भेजना ही नहीं है। बोलते हैं कि बेहतर परवरिश का पता, आशियाना का आपने सुना होगा, बेहतर परवरिश का पता। ये आपका क्या आ गया, ये अब हम आपको लेके चलते स्केटिंग रिंग एरिया है प्रॉपर बच्चों के लिए जहाँ पे बच्चे स्केटिंग करते हैं। अब हम लोगों की मेहनत के लिए, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं इसके लिए आप लोगों को सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है। भी हम लोग अरविंद जी आए हैं लर्निंग हब पे, जैसा मैं आपको बता रहा था यहाँ पे डेडिकेटेड प्लेसेस है बच्चों के लिए जहाँ पे बच्चे मैनी मोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपने मैक्सिमम सोसाइटीज़ में देखा होगा कि बच्चे स्कूल से आने के बाद अगर उनके स्पेयर टाइम की अगर मैं बात करूँगा तो उनका या तो टीवी पे जा रहा होगा या गैजेट्स पे जा रहा होता है, उनकी फिजिकली एक्टिविटी हो ही नहीं पाती है। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूँगा तो बच्चे अपना ना अपना जो भी स्किल्स है एक्टिविटीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं। सी तो ये क्या, ये कौन सा है आपका आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, सो दिस इज द आर्ट एंड क्राफ्ट रूम। तो यहाँ आपका शेड्यूल है ब्रजेश जी, कुछ क्या शेड्यूल? हमारे यहाँ पे ना 2 male and female एक्टिविटी मैनेजर अवेलेबल होते हैं जो वीकली एक्टिविटी कैलेंडर प्लान करते हैं, उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो वीकली यहाँ पे एक्टिविटी कराते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका डांसिंग एंड म्यूजिक रूम, तो यहाँ पे बच्चे खुद से आके डांसिंग एंड म्यूजिक कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे डांस सिखाने के लिए टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो आप अगर बच्चा उनके थ्रू कोचिंग लेना चाहता है तो वो यहाँ पे डांस की कोचिंग भी ले सकता है। तो प्रॉपर आप देख सकते हो, प्रॉपर डेडिकेटेड डांसिंग रूम है। अरविंद जी ये हमारा वर्कशॉप एरिया है, और यहाँ पे बच्चों का शेड्यूल भी लगा हुआ है, वो आप प्रॉपर शेड्यूल यहाँ पे देख पाएंगे अरविंद जी। ये जो एक्टिविटीज़ आप रियल देख रहे हैं ये हम लोग एक्टिविटी कराते हैं, हमारे एक्टिविटी प्लानर होते हैं जो वीकली बच्चों की एक्टिविटी कराते हैं। तो दिस इज़ द शेड्यूल, ये एक्टिविटी एक चार्ट लगा रखा है हमने, दिस इज़ द लिव इन लर्न प्रोग्राम किड्स के लिए चलता है, जो फैकल्टीज़ आती है उसकी क्या फीस चार्ट है, क्या टाइमिंग्स है, कि कौन कौन से टीचर सोसाइटीज़ में आते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस चार्ट के थ्रू भी गो थ्रू कर सकते हैं। अब चलते हैं उधर, चलने से पहले मैं आपको ये बच्चों की लाइब्रेरी दिखाना चाहूँगा जहाँ पे बच्चे अपना रीडिंग्स वगैरह, स्टोरी रीडिंग्स बुक्स वगैरह रीड कर सकते हो। दिस इज़ द लाइब्रेरी फॉर किड्स, दे कैन एंजॉय देयर स्पेयर टाइम हियर। ये आप देख पा रहे हैं ये पेट्स प्ले एरिया हो गया, यहाँ पे प्रॉपर पेट्स के लिए फ्रेशअप एरिया हो गया। इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सो दिस इज़ द हॉबी गार्डन। बेसिकली हॉबी गार्डन होता क्या है, यहाँ पे बच्चे आके खुद ही प्लांटेशन करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट लगाए हुए हैं ये किड्स ने खुद लगाए हुए हैं, और कौन इसको मेंटेन कर रहा है, मेंटेन वाई, बच्चों ने अपने नाम भी स्टैंडी के साथ यहाँ पे लगाए हुए हैं। सो दिस इज़ द हॉबी गार्डन, ये हम लोग देख रहे हैं। ये चीज़ें ना बड़ी मुश्किल से मिलती नहीं है किसी प्रोजेक्ट्स में, दिस इज़ वन ऑफ द रियल थिंग जो आशियाना देता है। तो मेरे को अपना चेहरा दिखा के प्रोजेक्ट की तारीफ करना या कुछ भी करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इस सीरीज़ में मेरा ब्रजेश जी ना सिर्फ यही मानना है, यही चीज़ें कर रहा हूँ मैं, क्या लोगों को अच्छी चीज़ें मिल जाएं। लोग बोल रहे हैं 1.5 करोड़ में कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूँ इससे अच्छा 1.5 करोड़ में क्या मिलेगा। मैंने इससे पहले बहुत प्रोजेक्ट दिखाए जो अच्छे हैं 1.5 करोड़ में, और लोग बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है मत लो, तो ये गलत चीज़ है। मैं ही कहता हूँ कि आप देखो आके, फील करो हर एक चीज़, फीलिंग से घर होता है। अरविंद जी मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे पास कस्टमर विजिट करने के लिए आता है 100% उसको फील होता है कि मेरा घर यहीं पे होना चाहिए। आज हम चल रहे हैं क्रिकेट पिच की तरफ जहाँ पे हमारा क्रिकेट नेट प्रैक्टिस बना हुआ है। भाई ये वीडियो ना थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो जिसको थोड़ा सा लगे वो कोऑपरेट करके देखना और उसी आदमी को भेजना जिसको घर की ज़रूरत है।
नहीं ज़रूरत है तो भी शेयर करना, बेटर रीच के लिए कमेंट करना, बेटर रीच के लिए मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए और मेहनत का फल भी आप लोगों को मिलेगा प्रॉपर्टी सर्च करने में। ये क्रिकेट पिच है तो यहाँ पे भी कोचेज आते हैं क्रिकेट के लिए भी? हाँ, इसके लिए भी कोचेज अवेलेबल होते हैं। तो ब्रिजेश जी, जैसे हम लोगों ने कोचिंग की बात कर रहे हैं ये अलग अलग, तो इसमें क्या चार्जेस ज़्यादा रहते हैं? नॉमिनल चार्जेस होते हैं इसके, मैंने आपको एक चार्ट भी दिखाया हुआ है। फीस 1500 से लेके 2500 के बीच में होती है। लोग पूरा रिव्यू प्रोजेक्ट का, आशियाना हमारा का भी इसी टाइप से लेके आएंगे क्लाइंट्स के लिए जब वो लॉन्च होगा। ठीक है, तो मैंने और ब्रिजेश ने जी ने आपको शिद्दत से पूरा प्रोजेक्ट दिखाया है। मैं लास्ट में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको ओके बाय बोलना चाहता हूँ, वीडियो का एंड करना चाहता हूँ। इसके बाद भी आप लोगों को इंक्वायरी रह गई हो और जिसने हम लोगों के साथ देखना आशियाना हमारा, वो नीचे आशियाना हमारा 93 करें। अनमोल के बारे में कुछ अब भी चीज़ें रह गई हो तो आप कमेंट कर दो, हम लोग पर्सनली उसका जवाब दे देंगे। ठीक है ब्रिजेश जी? यस, थैंक यू वेरी मच अरविंद जी एंड थैंक यू ऑल व्यूअर्स। थैंक यू ब्रिजेश जी हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद आप सभी का जिसने पूरी वीडियो देखी है अंत तक। शेयर और लाइक करे बिना मत जाना। ठीक है, बाय बाय।